नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीरपैंती रेलवे स्टेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल रहा है, जहां पर दोस्तों पीरपैंती का बहुत ही विकास होने वाला है। कई सारे चीज़ नए बनने वाले हैं, जो पुराने भवन है वो टूटकर फिर से नए निर्माण किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों यात्री की जो सुविधा है वो भी बहुत बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज के जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि पीरपैंती स्टेशन में अब यात्री को क्या सुविधा मिलने वाली है, और साथ ही अब पार्किंग जो है एरिया उसे विकसित किया जाएगा। सो जो रेलवे स्टेशन पीरपैंती का है उसे विकसित किया जाएगा, जो पुराना टिकट घर है वो सारा चीज़ टूट कर फिर से नया तरीका से बनाया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हमेशा आप लोगों को रेलवे से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। पीरपैंती रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए गुरुवार को DRM विकास चौबे ने सभी अधिकारियों के साथ पीरपैंती रेलवे स्टेशन का पूरा निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने जानकारी दिया गाड़ी का आने जाने का यू टर्न का भी निर्माण किया जाएगा। स्टेशन का जो भवन है आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा टिकट घर है, बस वही। लेकिन दोस्तों अब आप सबको पीरपैंती स्टेशन में बड़ा बड़ा भवन, वेटिंग रूम वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। लोग प्लेटफॉर्म संख्या 1 के बाहर बजरंग वाली मंदिर देखे होंगे, अब दोस्तों वहाँ पे खाली प्लेस था, जहाँ पर फल फ्रूट का दुकान है, छोटा मोटा दुकान है। अब वह सब चीज़ आप लोग को वहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जो स्टेशन है उसे वहाँ से शुरू किया जाएगा, यानी कि पूरा पीछे तक भवन बनाया जाएगा, जहाँ पर यात्री का वेटिंग रूम और कई सारे भवन भी बनाए जाएंगे। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर गाड़ी आने की बस एक ही रास्ता है, उसे भी विकसित किया जाएगा ताकि यात्री को स्टेशन तक आने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये जो विकसित होगा वह अमृत भारत योजना के तहत हो रहा है। दोस्तों मैंने आप लोगों को 15 स्टेशन के नाम बताया था, जहां पर गोड्डा स्टेशन का भी नाम मैंने ऐड किया हुआ था, तो उन सब स्टेशनों का विकसित फिर से होने वाला है, यानी कि जो नए हैं उन पर और कुछ विस्तार किया जाएगा और जो पुराने हैं उसे तोड़कर काफ़ी सुंदर तरीक़े से बनाया जाएगा। तो अभी मुझे बस यही जानकारी मिली थी, बाकी जब काम शुरू होगा वो सारी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। यदि आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑन प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हमेशा रेलवे से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।